So we were doing the Peninsular Plateau region, and in the Peninsular Plateau, I guess I discussed with you Karnataka Plateau. So the Karnataka Plateau is divided into two types, that is the Maidan and Malnad. Maidan is a flat land, it has a rolling topography. Why it has a rolling topography? Because it is made up of Archean gneiss and schist, and those rocks have not been properly eroded because they are tough rocks. So as a result of this, ऊपर नीचे की तरफ है. दिस इज व्हाट इज द रूलिंग टोपोग्राफी. अब वहां पे लिखो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन द कर्नाटका प्लाटू रीजन. और रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कर्नाटका प्लाटू रीजन. Regional development of the Karnataka Plateau region. Question ऐसा भी आ सकता है, question directly regional development या comparison में भी आ सकता है. Use your wisdom कि किस में क्या लिखना है. Fine. अगर question आता है only in the physical geography तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. So when I say the Karnataka Plateau, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक नॉर्थ कर्नाटका है. सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका प्लाटू. वन इज द शेडेड पार्ट, दिस इज द अदर पार्ट, दिस इज द अदर पार्ट एंड दिस इज द अदर पार्ट. इन तीनों का रीजनल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल. In the second part, there is a presence of, second and third part, there is a presence of red and yellow soil. Why red and yellow soil? Because it is made from Archean rock system. So, jahan jahan India mein there is an Archean rock, we have the presence of red and yellow soil due to the dominance of iron. Shaded part is Malnad, that is the hilly region. But maine second and third part, though it is similar, maine isliye divide kiya hai, because third part is what is known as, Mysore Plateau. So tell me, how is the regional development going to be different? Mysore mein kya kya ho sakta hai in the terms of regional development? Kyun alag hua hai? So you have to understand. अलग इसलिए हुआ है, ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, पालघाट गैप, मैसूर प्लाटू, कर्नाटका प्लाटू रीजन. इन दिस, दिस एक्चुअली इज अ रेन शैडो रीजन, बट थ्रू दिस गैप द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैन एंटर, एंड बिकॉज ऑफ द मैसूर प्लाटू इट इज फोर्स टू क्लाइंब अप, एंड देयरफॉर इट गिव्स गुड रेनफॉल ओवर हियर. Because it gives good rainfall over here, can I say this region is good for agriculture? But agriculture se zyada important, this region is good for tourism industry. Regional development hai, yahan pe there is a scope of a tourism industry in the Mysore Plateau region. There is a scope of further industrial development because Bangalore and Mysore are already an industrial centers. Fine. Second part mein agar irrigation mila, इरीगेशन मिला तो ही इट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर. एंड वॉट विल बी द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन हियर? है या नहीं इरीगेशन? यस, इरीगेशन इज देयर थ्रू द प्रेजेंस ऑफ तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिजर्वायर ऑन तुंगा एंड भद्रा रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. सो एकदम जोश में शी गेव द आंसर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो सेकेंडली we have the presence of ये जो कनाल सिस्टम जो हमने कल डेवलप किया, कल पढ़ा था रंगना ठिट्टू लेक के आसपास, दैट इज शिव समुद्रम आईलैंड. एंड वी ऑल्सो हैव द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैसूर रीजन और ऑफ द बैंगलोर रीजन, इधर कमिंग फ्रॉम दिस, दैट इज दिस इज द पार्ट जहाँ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, या इट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट. सो राइट नाउ जो सी एम है, इट इज फ्रॉम दिस पार्ट. राइट,
तुलु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु स्पीकिंग से ज़्यादा तुलु स्पीकिंग पीपल, कन्नड़ स्पीकिंग से ज़्यादा तुलु स्पीकिंग पीपल पीपल, वेदर इट इज़ द वेदर इट इज़ हु इज़ द प्रेजेंट सीएम येडियुरप्पा, वेदर इट इज़ एस एम कृष्णा एंड एच डी देवेगौड़ा या कुमार रंगास्वामी, ये जो बाकी के हैं दिस कम फ्रॉम दिस रीजन. एस एम कृष्णा इज़ बेसिकली फ्रॉम साउथ कर्नाटका, फाइन, साउथ कर्नाटका वैसे ही रिच है. सो देवेगौड़ा की फैमिली कम्स फ्रॉम दिस रीजन, येडियुरप्पा की फैमिली कम्स फ्रॉम दिस रीजन. हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी पॉलिटिकल फैमिली इज, बट यू शुड नो वाई राइटिंग द आंसर कि वॉट इज़ द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट. बेसिकली दिस पीपल आर ऑलवेज रिच, वेदर इट इज़ दिस पार्ट या दिस पार्ट, एक ही है. फाइंड द, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड शक्ति कम्युनिटी. शेट्टी, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्य राय, सो ऑल दिस इज द शेट्टी कम्युनिटी. यस, ऑल दिस इज द शेट्टी कम्युनिटी हु डोमिनेट द होटल इंडस्ट्री इन इंडिया. 99% ऑफ द होटल इंडस्ट्री इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ होटल्स बिलोंग टू द शेट्टी कम्युनिटी. सो वैसे भी दे आर वेरी वेरी रिच. फाइन, सो यहाँ पे वेन वी राइट द आंसर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करके या इरीगेशन देके इसको डेवलप करना, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, एंड इसको भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स देके डेवलप करना है. सो आई एम गिविंग यू द कर्नाटका प्लाटू, कर्नाटका प्लाटू, हैज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल इन द नॉर्थ, has a mixture of black soil in the north and Archean rock based and Archean rock based red and yellow soil, red and yellow soil in the south, in the south. The southern part of Karnataka plateau is known as Mysore plateau. The southern part of Karnataka plateau is known as Mysore plateau. And it being at an height of 2600 feet, it being at a height of 2600 feet, this is good rainfall. This is good rainfall. The further resource development in this region includes, the further resource development in this region includes one, one metallic minerals, metallic minerals of Dharwar rock system, of Dharwar rock system, which includes iron ore of Baba Budan Hills, iron ore of Baba Budan Hills. कौन सा है बाबा बुदान हिल्स में आयरन ओर? कुद्रेमुख, आयरन ओरस ऑफ बाबा बुदान हिल्स. सेकंड, कोलार गोल्ड फील्ड
देखो विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड में गोल्ड नहीं है, बट विद द न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग गोल्ड अगेन इन दैट रीजन. फाइन, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब विद द न्यू टेक्नोलॉजी कोलार गोल्ड फील्ड हैज अगेन गोल्ड. थर्ड, मैसूर प्लेटू का पार्ट है, टेक्निकल मैसूर प्लेटू का पार्ट है, स्ट्रेट नहीं है ना मैसूर प्लेटू, ऐसे ऐसे आएगा. मैसूर प्लेटू मतलब धारवाड़ सेडिमेंट्स प्रॉपर. हाँ, आर्कियन नीस एंड रॉक मतलब सेंट्रल कर्नाटका, आर्कियन नीस एंड शिस्ट जो धारवाड़ सेडिमेंट्स बने नहीं है, एंड ब्लैक सॉइल मीन्स नदन कर्नाटका. द वर्ड कर्नाटका मीन्स द लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल, कर्नड मीन्स ब्लैक, बट ब्लैक सॉइल है सिर्फ नदन कर्नाटका में. थर्ड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अराउंड बैंगलोर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अराउंड बैंगलोर विच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, विच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री कॉमा प्रिसिशन इंडस्ट्री कॉमा प्रिसिशन इंडस्ट्री एक्सेट्रा, टूरिज्म 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 कॉमा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑन द हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑन द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, नेक्स्ट पॉइंट द सेंट्रल साउथ कर्नाटका, द सेंट्रल साउथ कर्नाटका विच कंसिस्ट ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, आई विल टेक ओनली मांड्या डिस्ट्रिक्ट, is important sugar cane growing region, is important sugar cane growing region, but the problem is irregular rainfall, problem is irregular rainfall, lack of physical as well as social infrastructure, lack of physical as well as social infrastructure, and hence this region is having the lowest per capita income in Karnataka. This region is having lowest per capita income in Karnataka. But still, proper utilization of river Kaveri, proper utilization of river Kaveri can be used for irrigation
and agricultural diversification. And agricultural diversification can be used for irrigation and agricultural diversification. Third, North Karnataka. Central. साउथ सेंट्रल इसलिए तो दिया है, साउथ सेंट्रल में माना जाता है उसको. मांड्या एडमिनिस्ट्रेटिवली इज कंसिडर्ड एज अ साउथ सेंट्रल पार्ट. मांड्या नहीं आता साउथ, उत्तर कर्नाटका में नहीं आता, सॉरी दक्षिण कर्नाटक में नहीं आता. जाके चेक करना घर पर. मांड्या होगा साउथ में. मैं आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का दे रहा हूँ जिसमें इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट इन द प्लानिंग मॉडल. व्हेन यू डू रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग यू जस्ट डोंट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ की लोकेशन. रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हम देखते हैं रिच डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसलिए तो हमने साउथ सेंट्रल लिखा है. रीजन्स को हमने वो किया है. हाँ प्लाटू के हिसाब से नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से तो साउथ में है. कंसेप्ट ऑफ रीजन, पुअर रीजन, रिच रीजन, प्लान्ड रीजन, उसमें आता है. हाँ रिच एंड पुअर ज्योग्राफी के लिए हिसाब से नहीं, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट है ये. थर्ड द उत्तर कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका. उत्तर और नॉर्थ कर्नाटका is a semi-arid region. Is a semi-arid region. Bracket में लिखना except. Belgaum. Except Belgaum. It is a region of black soil. It is the region of black soil. Full stop. It is drained by numerous rivers such as Krishna. भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा एंड तुंगाभद्रा. ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है. भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना. तुंगाभद्रा कौन से नद, कहाँ से जाती है, कौन से हिस्टोरिकल साइट से? हम्पी. इट गोज थ्रू हम्पी. क्या है हम्पी? हाँ क्यों, कौन सा टेम्पल सबसे बताओ मुझे, रॉक कट आर्किटेक्चर या किस में? रॉक कट किसका? दो फेमस टेम्पल, वीरूपक्षा टेम्पल एंड विठ्ठला टेम्पल हम्पी में. बस दो ये इम्पोर्टेंट है, वीरूपक्षा टेम्पल एंड विठ्ठला टेम्पल. हम्पी फेवरेट है उनका. नेक्स्ट
due to the drought prone or dry zone agriculture, this region has seen maximum farmer suicide in Karnataka. It is a region of cotton. Ragi, R-A-G-I, ragi. And sugarcane cultivation. वैसे सबसे ज़्यादा sugarcane cultivation in central Karnataka. There is a demand of this part, the northern Karnataka. What was I dictating? This part is also facing a dispute between Maharashtra and Karnataka. फाइन. तेलंगाना रायलसीमा नहीं करना है हमें. जस्ट टू थ्री थिंग्स यू शुड रिमेंबर दैट तेलंगाना एंड रायलसीमा रीजन इज अगेन अ रीजन ऑफ कड़प्पा सेडिमेंट्स एंड आर्कियन नीसेंशिस्ट. सो क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? सेमी एरिड. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हियर? गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नेरू. दिज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स इन दिस रीजन. एंड फोर्थली, what about the agriculture, regional development and planning? Ki Telangana is a separate state, so this part will not come in the this thing. Now Telangana plateau and Rayalaseema plateau geologically are the single plateau. Telangana upar, Rayalaseema niche. But politically Telangana became a separate state and Rayalaseema and coastal Andhra Pradesh have become a separate state. So today you see how the coastal Andhra Pradesh is going. चालू हो गया ना? नहीं, वो बाइक पे चालू नहीं हुआ. यहाँ पे नहीं आएगा वो. इसका ऑटोमेटिक अपडेट कहाँ से बंद होगा, किसी को पता है? वो तो बंद कर दिया. बंद कर दिया अभी, बस अभी कुछ करना ही नहीं. वो कर रहा हूँ कीबोर्ड नहीं होगा. किसका कीबोर्ड? उसका कोई टैप नहीं. बनु के पास ले जाना, करके देगा.
तेलंगाना रायलसीमा रीजन कोस्टल आंध्र प्रदेश. अब कैसा है द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र एंड द रायलसीमा पार्ट. फाइन, सो टू थ्री पॉइंट्स रिगार्डिंग द तेलंगाना रायलसीमा रीजन. First, it is a part of Deccan. It is a part of Deccan, dominated by Archean basement rocks. Understanding why the word basement? Archean basement rocks, comma. Kadapa sediments and Vindhyan limestone. Major part of this plateau is highly dissected. Dissected मतलब eroded by Godavari Krishna and Penneru River system. The central part of this plateau, especially Telangana. Lies in the rain shadow effect of Western Ghats. The proposed interlinking of the rivers will help in extending the irrigation facilities to this dry region. To this dry region. Okay. Bundelkhand uplands. Okay. See, this is the Telangana Rayalaseema Plateau region. Godavari, Krishna, Penneru river system. Aur ye sirf hai near the sea level. Baki ka pura region is dry. Kadapa rock system.
पूरा ड्राई है, आर्कियन रॉक्स या कड़प्पा रॉक सिस्टम डोमिनेटेड बाय द लाइमस्टोन। वन पॉइंट आई फॉरगॉट देयर इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दिस रीजन is around the building materials, especially the cement and infrastructure industry. Surrounding the Kadapa rock system. कोई यहाँ पे बुंदेलखंड से कोई नहीं है बुंदेलखंड में। So you are from South UP. So Bundelkhand, UP and MP. Nay, not you. So this is what is the Bundelkhand. Can you tell me kya kya aayega isme? Climate, geography, agricultural development and industrial development. क्या क्या है एग्रीकल्चर, क्या है वहाँ पे? बाजरा, दैट इज इट इज़ अ रीजन ऑफ व्हीट आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड बट मोस्टली इट इज़ अ रीजन ऑफ हार्ड सीरियल्स और मिलेट्स। क्यों बाजरा, क्यों होगा बाजरा, टेल मी। बिकॉज रेनफॉल इज़ वेरी हैवी और रेनफॉल इज लेस रेनफॉल। सॉइल विल बी फर्टाइल और सॉइल विल नॉट बी दैट मच फर्टाइल। वाई द सॉइल इज नॉट फर्टाइल? बिकॉज इट इज़ नॉट एलुवियल प्लेन, इट इज पेनिनसुला। अब पेनिनसुला में फर्टाइल सॉइल है, दैट इज अ ब्लैक सॉइल, बट इट इज नॉट अ रीजन ऑफ अ ब्लैक सॉइल। द रीजन ऑफ अ ब्लैक सॉइल इज मालवा प्लाटू, जो बुंदेलखंड के जस्ट नीचे है। दिस इज द मालवा प्लाटू वाला रीजन। फाइन, एनी एंड बिकॉज ऑफ ड्राई रीजन, यहां पे व्हाट डू यू सी हियर इज द मेन रिवर्स आर सिंध, बेटवा, चंबल, धासन। धासन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड दिस रीजन इज हाईली प्रोन टू द सॉइल इरोजन इन इंडिया बिकॉज एंड दिस इज देयरफॉर दिस इज ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ इंडिया, हाईली ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ इंडिया। बट दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एक्ट टूरिज्म या development in the terms of tourism because this region has the famous Khajuraho temples. Gwalior is also located in this region. Okay. Gwalior nahi hai is region mein? Chalo, Gwalior ko hame likhna nahi hai, hame sirf लिखना है खजुराहो टेम्पल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द खजुराहो टेम्पल्स। एंड हमें लिखना है विच इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, विच टू, केन एंड बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव वाटर टू दिस रीजन। फाइन, सो बुंदेलखंड रीजन, इट इंक्लूड्स some districts, it includes both MP and UP, it is a drought prone region of India.
because it lies in the rain shadow region, because it lies in the rain shadow region, as the monsoon winds, as the monsoon winds enter the rift valley of Vindhyas and Satpuras. As the monsoon winds, ये सब notes में नहीं है, वो textbook में भी नहीं है ये सब. As the monsoon winds enter the rift valley of Vindhyas and Satpuras. Geographically, Bundelkhand lies between. Geographically, Bundelkhand lies between Yamuna in north. Yamuna in north and Vindhyas in the south. Bundelkhand lies between Yamuna in the north and Vindhyas in the south. Geologically, it is made up of Archean gneiss and schist. Geologically, it is made up of Archean gneiss and schist. But this region is highly dissected and eroded. By Chambal, comma, Betwa, Sindh and Ken. Chambal, comma, Betwa, Sindh and Ken. It suffers from malnutrition, low agricultural productivity, and large scale migration. Especially to Delhi. Right or wrong? Delhi ke aaspaas, because it is very near to Delhi. Future development depends upon exploiting the tourism potential especially around Khajuraho. Second, developing irrigation projects based on interbasin rivers transfer. Based on interbasin river transfer, example Ken Betwa link,
किन बिटवालिंग। नेक्स्ट कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन, कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन। एंड फोर्थ हाई पोटेंशियल फॉर अलाइड एक्टिविटीज सच एज गोट फार्मिंग। अलाइड एक्टिविटीज सच एज गोट फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग पता है, यू नो व्हाट इज गोट फार्मिंग, सेम लाइक पोल्ट्री फार्म की गोट फार्म्स आ रहे हैं आजकल, ये सबसे अपकमिंग फील्ड है इंडिया में गोट फार्मिंग। एंड ये जो ड्राई रीजन्स है इंडिया के, यहाँ पे सबसे हाई पोटेंशियल है गोट फार्मिंग का। एंड वैसे भी इंडियंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर नॉन वेज, सो देयर विल बी हाई पोटेंशियल फॉर गोट फार्मिंग इन दिस रीजन। सोलर एनर्जी का भी है, यस, बट मैंने ऐसे कहीं पढ़ा नहीं है कि इस रीजन में सोलर एनर्जी डेवलप करो। ये जो हम है, ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बुक्स में जो दिया है वही लिख रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या वहां पे? हेवी इलेक्ट्रिकल्स। है डेवलपमेंट है, एंड लास्ट छोटा नागपुर प्लाटू रीजन, छोटा नागपुर प्लाटू रीजन। छोटा नागपुर प्लाटू रीजन, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। हैविंग कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, हैविंग कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी। Stop. Why complex geology? It is a mixture of Archean gneiss and granite. It is a mixture of Archean gneiss and granite, comma, Dharwar sediments, Dharwar sediments, comma, Gondwana rocks and Cretaceous lava flow, and Cretaceous lava flow, bracket में Rajmahal Hills, याद रखना Rajmahal Hills are volcanic in origin, Cretaceous lava flow. It extends in the states of West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, extends in the state of West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, and northeastern Andhra Pradesh. And northeastern Andhra Pradesh. It is surrounded by Indo-Gangetic plains. It is surrounded by Indo-Gangetic plains to the north and the east.
north and the east, and Mahanadi basin to the south. Can you draw a diagram showing Chota Nagpur Plateau? डेक्कन प्लाटू के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी ऑन द छोटा नागपुर प्लाटू. फिर से हैंग हो गया. इसको मनु को बोलना अपडेट पे लगा दे या क्या करना, तो फिर चेंज कर दो. हाँ can I continue? It is a region of polycyclic relief. It is a region of polycyclic relief dominated by flat topped hills or flat topped plateaus. Flat topped plateaus known as PUT. Geomorphology में हमने किया है ये PUT land, known as PUT. So याद रखना, कोई भी map pointing आता है PUT से, XYZ is PUT, नेहार PUT, देगाना PUT, तो याद रखना छोटा नागपुर प्लाटू, फ्लैट टॉप रिलीफ, इट इज़ अ रीजन ऑफ वाटरफॉल्स, इट इज़ अ रीजन रिच इन आयरन और कोल. बस बात खत्म. Right? It represents the fault line of India. It represents the fault line of India. FALL, fault line of India. Dominated by waterfalls. Example, remember this for map pointing. Hundru Falls. Hundru Falls, Jharkhand. 2-3 points. It is a nick point fall, bracket में nick point fall, सिर्फ points में लेना, nick point fall means rejuvenation has occurred. It is a example of rejuvenation. KNICK, nick point fall. And third, on Subarnarekha River.
सुबर्णरेखा रिवर. सेकंड एग्जांपल दासम फॉल. दासम फॉल झारखंड. कांची रिवर. Which is a tributary of Subarnarekha. Again, Nick Point Fall. Raja Rappa Fall. Raja Rappa Fall. South India. Raja Rappa. Damodar. At a confluence of Damodar and Behra River. At a confluence of Damodar and Behra, Behra River. बेहरा ट्रिब्यूटरी है दामोदर की. वेरी नियर टू बोकारो स्टील सिटी. वेरी नियर टू बोकारो स्टील सिटी. एंड रामगढ़. RAMGARH रामगढ़ कोलफील्ड. रामगढ़ कोलफील्ड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गौतम धारा फॉल. गौतम धारा फॉल या जिसको कहते हैं जोन्हा फॉल्स. जोना फॉल्स. निक पॉइंट फॉल. ये सारे निक पॉइंट फॉल है. सारा रिवर रिजोनेशन है. पॉलीसाइक्लिक रिलीफ मतलब सारा रिवर रिजोनेशन. ऑन गुंगा रिवर. GUNGA गुंगा रिवर. हजारीबाग. ये सारे रांची प्लाटू के फॉल्स है. गुंगा रिवर. इट इज नोन एज गौतम धारा. इट इज नोन एज गौतम धारा. Because of religious importance. Because of religious importance. Right? ये इतना डिटेल में नहीं लिखना है. ये सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट द छोटा नागपुर प्लाटू इज. The Chota Nagpur Plateau is further divided into micro plateaus. Is further divided into micro plateaus such as Ranchi Plateau. Ranchi Plateau. The source of origin of River Damodar. दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की. हजारीबाग प्लाटू. हजारीबाग प्लाटू
कोदर्मा प्लाटू, HAZARIBAUGH, हजारीबाग प्लाटू। किसके लिए फेमस है हजारीबाग प्लाटू? ये पूरा रीजन किसके लिए फेमस है? फॉरगेट हजारीबाग, कोदर्मा प्लाटू स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन ओर। कोडरमा प्लाटू, KODERMA, कोडरमा प्लाटू। पलामू, पलामू प्लाटू रीजन। पलामू, PALAMU, पलामू प्लाटू रीजन, ड्रेन बाय सोन रिवर। It is also famous for इंटरनेट नहीं चल रहा है। नेतार हाट, आई वुड हैव शोन यू दिस, नेतार हाट। नेतार हाट, नेतार हाट में लिखना। पटलैंड, पटलैंड, इट इज नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लाटू बिकॉज ऑफ टूरिज्म। इट इज नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लाटू ड्यू टू टूरिज्म। दिस हैज कम इन मैप पॉइंटिंग थ्राइस, नेतारहाट। इट इज फेमस फॉर पलामू टाइगर रिजर्व, कौन से स्टेट में? झारखंड। इट इज फेमस फॉर पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। एंड बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क। बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सिंहभूम रीजन, सिंहभूम रीजन, सिंहभूम किसके लिए फेमस है? नहीं, सिंहभूम इज फेमस फॉर कोल। ऊपर के सारे फेमस फॉर आयरन और सिंहभूम इज फेमस फॉर कोल। सिंहभूम रीजन विच इंक्लूड्स पुरुलिया ऑफ वेस्ट बंगाल, इंक्लूड्स पुरुलिया ऑफ वेस्ट बंगाल।
which includes the Purulia district of West Bengal and Dhanbad Bokaro region of Jharkhand. Climate. The Chota Nagpur Plateau का climate कैसा है? Someone that day was telling me Chota Nagpur का climate from our class only. कैसा है? बहुत अच्छा है? बहुत खराब है? कैसा है Chota Nagpur Plateau का? Pleasant. So the climate is this Chota Nagpur Plateau region receives 140 centimeters of average annual rainfall. 140 centimeters of average annual rainfall, and it is dominated by tropical dry deciduous forest. It is dominated by tropical dry deciduous forest. It is rich in wildlife. It is rich in wildlife. Which includes the protected areas of Sanjay Gandhi National Park. Tell me the state. Chhattisgarh. Sanjay Gandhi National Park, Chhattisgarh. Second, Maharashtra mein bhi hai, but it is not important. Chhattisgarh. Simlipal Biosphere Reserve bhi hai. Kaun sa state? Odisha. Simlipal National Park, Odisha. Gautam Buddh Wildlife Sanctuary. Kaun sa state? Thoda dimag lagao. Gautam Buddh, Bihar. Gaya ke paas. Sorry, Gaya is in Bihar, not Gaya ke paas. Gautam Buddh Wildlife Sanctuary, Bihar. Koderma Wildlife Sanctuary, Jharkhand. और जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, दालमा वो सब तो पता ही है आपको. रमना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बंगाल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लैक बक रिलोकेशन प्रोजेक्ट हैज टेकन प्लेस हियर. बंगाल. ब्लैक बक रिलोकेशन प्रोजेक्ट हैज टेकन प्लेस हियर. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. It is rich in mineral resources, right from coal, iron ore, bauxite, and hence was considered as a region of
region of growth pole during second 5-year plan of India. Hence was considered as the growth pole during the second 5-year plan of India. फाइन, ये हो गया हमारा ऑप्शनल का. मुझे बताओ ट्राइब्स यहाँ पे है या नहीं. संथाल, यस. हो, मुंडास और गोंड्स, यस. फाइन, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. भी है यहाँ पे ट्राई. ईस्टर्न बिहार, झारखंड, सेंट्रल झारखंड, बंगाल में तो नहीं हो सकता, ये नहीं पता मुझे. मोस्टली क्रिश्चियंस. ओरान ट्राइब हैज मोस्टली टेकन क्रिश्चियनिटी. हो इज द ओनली ट्राइब जिसका कोई रिलीजन नहीं है, वो आज भी एनिमिज्म करता है इंडिया में. टेक वन क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न लावा प्लाटू एंड छोटा नागपुर प्लाटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. डिस्टिंग्विश द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न लावा प्लाटू एंड छोटा नागपुर प्लाटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया 2018. Northwestern lava plateau and the peninsular plateau of the northwestern lava plateau and the Chota Nagpur plateau of peninsular India 20 marks 2018. Just mujhe upar se ek structure bana ke dikha do. Introduction kya hoga, body mein kaise, kaun sa diagram and lastly क्या कंक्लूजन एक्सेप्ट.
linseed, Virginia tobacco, sunflower, etc. Large variety of fruits and vegetables are also grown. Fine. कितने simple words में answer? In her first attempt, she has got 356 rank. She is right now in. But उसको क्योंकि IAS के लिए उसको पता था कि IAS तो इस साल मिलेगा नहीं सर. Her fourth choice was Indian Audit and Accounts. So she is right now in Indian Audit and Accounts Service. I'll give you your model answers. कुछ अच्छे, कुछ अपने क्लास के हैं, कुछ मार्केट से है. Fine. So this is how we have done the structuring of the answer. The peninsular plateau is divided into numerous divisions, which out of which Chota Nagpur plateau and Maharashtra plateau is one. Diagram aayega, divisions of the Chota Nagpur plateau. Fir the body of the question will be, body of the answer will be, so obviously in the introduction, this is the oldest and the most stable landmass in the world. It is a part of Archean rock system. फिर बॉडी में आएगा द छोटा नागपुर प्लाटू एंड महाराष्ट्र प्लाटू. द छोटा नागपुर प्लाटू इज डोमिनेटेड बाय आर्कियन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, क्रिटिशियस लावा फ्लो एज वेल एज कड़प्पा एंड विंध्य धारवार सेडिमेंट्स. ऑन अदर हैंड द महाराष्ट्र प्लाटू और द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लाटू, नॉर्थ डेक्कन प्लाटू इज डोमिनेटेड बाय द क्रिटिशियस लावा फ्लो. दिस प्लाटू वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द movement of Indian plate over the Reunion hotspot, and it is known as, it is a kind of a fissure eruption which caused the spread of lava for 10 lakh square kilometer up to the northwestern India. But today it is found only in the western India because it is reduced to half of its size. Isliye question mein hai northwestern, so you have to justify the word northwestern. Fine. Next, climate. द छोटा नागपुर प्लाटू का क्या क्लाइमेट है? मोर देन 140 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. इट हैज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यूमरस रिवर्स. इट इज़ अ रीजन ऑफ पटलैंड. वाइल द डेक्कन प्लाटू फॉल्स मेजरली इन द रेन शेडो रीजन एंड देयर फॉर दो मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन, इट डज नॉट, इट रिसीव्स लेस देन 70 सेंटीमीटर्स ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल. फिर डेंसली फॉरेस्टेड कौन सा है? छोटा नागपुर प्लाटू. ये कैसा है? सेमी एरिड रीजन, इट इज़ नॉट डेंसली फॉरेस्टेड. एंड एग्रीकल्चर में डेक्कन लावा प्लाटू में मोस्टली कैश क्रॉप्स एंड वहाँ पे मोस्टली छोटा नागपुर प्लाटू में राइस. छोटा नागपुर प्लाटू में मोस्टली राइस. खत्म आंसर. फाइन. एक कंक्लूजन में ये लिख सकते हो दैट ड्यू टू द लोकेशनल एस्पेक्ट छोटा नागपुर प्लाटू इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कोर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वाइल द डेक्कन प्लाटू इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. गेटिंग इट? होलिस्टिक आंसर होगा. लिख पाए ऐसा? राइट. एंड कैन यू नाउ कंपेयर एनी प्लाटूस? मेघालय प्लाटू एंड छोटा नागपुर प्लाटू, बुंदेलखंड प्लाटू एंड छोटा नागपुर प्लाटू. समझ में आया क्या क्या पॉइंट्स होंगे आंसर में? ज्योग्राफी, क्लाइमेट, economic importance in the terms of agriculture, economic importance in the terms of industries. Khatam. Fine.
ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। We'll shift to that classroom after you finish drawing. और 7 लाख कोर्स से भी ज़्यादा बोरो करना होगा तो ये करने से shift करना है। Classroom में आवाज़